हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस प्रोग्राम ऑफ क्लास 10th. एज़ यू कैन सी, दिस प्रोग्राम इज़ ऑल अबाउट इफ एल्स लूप एंड देर आर सम कंडीशंस इन विच यू हैव टू गिव द रिजल्ट बेस्ड ऑन द कंडीशन. द क्वेश्चन इज, अ क्लोथ शोरूम हैज़ अनाउंसड द फॉलोइंग फेस्टिवल डिस्काउंट ऑन द परचेस ऑफ आइटम्स बेस्ड ऑन द टोटल कॉस्ट ऑफ द आइटम परचेस्ड. हियर यू कैन सी वी हैव द टोटल कॉस्ट less than ₹2,000 to ₹5,000 to ₹10,000 and above ₹10,000, then we have these criteria that if the cost is less than ₹2,000 to discount kitna hoga 5%. So is given डिस्काउंट में हमें एक प्रोग्राम बनाना है जो क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट द टोटल कॉस्ट एंड डिस्प्ले द अमाउंट टू बी पेड टू द कस्टमर आफ्टर अवेलिंग द डिस्काउंट. हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें यूज़र से हमें इनपुट लेना है टोटल कॉस्ट. यूज़र ये टोटल कॉस्ट एंटर करेगा और बेस्ड ऑन द टोटल कॉस्ट उसको इतना डिस्काउंट निकाल के उस प्रोग्राम में हमें दिखाना है. तो फॉर दिस वी विल मेक अ क्लास अमाउंट. हम लोग क्लास के नाम से अमाउंट के नाम से एक क्लास बनाएंगे. देन वी विल मेक अ मेथड विच इज़ पब्लिक वॉइड मेन डबल कॉस्ट. हम लोग पब्लिक वॉइड मेन नाम का मेथड बनाएंगे जहाँ पे हम डबल कॉस्ट करके एक कॉस्ट जो है एक पैरामीटर है जो डबल डेटा टाइप का है वो पास करेंगे. उसके बाद हम एक मैसेज प्रिंट कराएंगे कि system.out.println अमाउंट ऑफ परचेस प्लस कॉस्ट. मींस जब एग्जीक्यूट करेगा तो मैसेज आएगा अमाउंट ऑफ परचेस इक्वल्स टू, तो आप डालेंगे 2000, तो आपको 5% का डिस्काउंट करके वो दिखाएगा डबल डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट अमाउंट और फाइनल अमाउंट. तो यहाँ पे डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट अमाउंट और फाइनल अमाउंट जो है वो वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स जो हमें ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए और उसका डेटा टाइप है डबल. फिर यहाँ पे हमने लिखा कि डिस्काउंट रेट जो है इनिशियली 2.0 है. फिर हम इफ़ एल्स यूज़ करके हम वेरियस आउटपुट निकालेंगे. हम निकालेंगे इफ़ कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन 2000, जो कि हमारा पहला क्राइटेरिया है. अगर कॉस्ट है ग्रेटर देन 2000, एम परसेंट कॉस्ट इज़ लेस देन इक्वल टू 5000. एम परसेंट एक लॉजिकल ऑपरेटर है जिसका मतलब अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं. एम परसेंट में क्या होता है, इफ़ ए एंड बी बोथ द कंडीशन आर ट्रू देन द रिजल्ट इज़ ट्रू. एम परसेंट तो अगर कॉस्ट ग्रेटर देन 2000 है और लेस देन इक्वल टू 5000 तो डिस्काउंट रेट कितना होगा 25%, जो कि यहाँ पे दिया है. एल्स इफ कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन 5000, अगेन एम परसेंट कॉस्ट इज़ लेस देन इक्वल टू 10000 तो डिस्काउंट रेट होगा 35%. फिर एल्स डिस्काउंट रेट कितना होगा 50%. हमारे पास 4 क्राइटेरिया हैं. डिस्काउंट अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट इनटू डिस्काउंट रेट बाय 100. तो हम जो कॉस्ट डालेंगे इनटू डिस्काउंट रेट बाय 100, फिर उससे हमारा क्या और फाइनल अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, कॉस्ट माइनस डिस्काउंट अमाउंट, ये जो आएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे. और ये रिज़ल्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले द रिज़ल्ट, रिज़ल्ट दिखाने के लिए क्या लिखेंगे, मैसेज प्रिंट कराएंगे कि एग्जीक्यूट होने के बाद ये सारे कंडीशन चेक होने के बाद हमें क्या मैसेज आएगा, टोटल कॉस्ट इक्वल टू इतना, डिस्काउंट इक्वल टू डिस्काउंट रेट इतना, डिस्काउंट अमाउंट इक्वल टू डिस्काउंट अमाउंट इतना और फाइनल प्राइस इक्वल टू फाइनल अमाउंट इतना. फिर हम इसको प्रोग्राम को क्लोजिंग कर देंगे. ऊपर में 2 ओपनिंग है तो हम यहाँ पे 2 क्लोजिंग कर देंगे. तो एक बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है कि अगर आपके पास कुछ क्राइटेरिया दिया रहे और बेस्ड ऑन दिस आपको कुछ कैलकुलेट करना रहे तो आप इफ़ एल्स यूज़ करके कैसे उसका, जैसे यहाँ पे डिस्काउंट निकालना है तो हम इफ़ एल्स यूज़ करके कैसे डिस्काउंट निकालते हैं, यही है ये प्रोग्राम. और इसमें हमने इफ़ एल्स यूज़ किया है. इफ़ एल्स को यूज़ करने का बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये. और मीन्स आप इससे ये भी समझ सकते हैं कि
अगर आपको इस टाइप का प्रोग्राम होगा तो आप इफ़ एल्स यूज़ करेंगे। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि मैम इफ़ एल्स कहाँ पे यूज़ करना है, स्विच केस कहाँ पे यूज़ करना है। तो ये डिफ्रेंसीशन हम तभी क्लियर कर सकते हैं जब हम डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स बनाएंगे। जैसे हमने ये प्रोग्राम बनाया तो हमें पता चला कि जब हम इस टाइप के प्रोग्राम्स बनाएंगे तो हम इफ़ एल्स लूप यूज़ करेंगे। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।